तो मैं हूँ ब्लू हल्क और मैं काम करता हूँ इस बड़ी सी बिल्डिंग पे। मैंने यार कॉन्ट्रैक्ट लिया इस बिल्डिंग को बनाने का, मतलब मैंने नहीं लिया, मेरे साथ और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं। अभी आप देख सकते हो मैं कितनी ज्यादा ऊपर हाइट पे यहाँ पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर मैं यहाँ से नीचे गिरा तो मैं नीचे नहीं सीधा ऊपर जाऊंगा। पर क्या कर सकते यार, काम करना तो इम्पोर्टेंट है तो मुझे इस काम को करना पड़ेगा, वरना जो ओनर है वो मेरी 12 बजा देगा। ओए अभी तक काम नहीं हुआ तेरा, अबे जल्दी काम कर, सारे वर्कर छुट्टी में भी चले गए। मैं समझ गया, तू हमेशा ज्यादा देर तक काम करता है फिर मेरे से ज्यादा पैसे मांगता है, इतना तुझे बताता हूँ। अरे ऐसा नहीं है, मैं काम कर ही रहा था। अरे ऐसा ही है, मैं समझ गया तुझे ज्यादा पैसे के लिए ये सब करता है, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसा नहीं है, सही में मैं ढंग से काम करता हूँ। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे पैसे हड़पने की कोशिश करा, निकल यहाँ से। आज तुझे मैं बता दूं पैसे हड़पना किसको बोलते हैं, ये ले। अरे मुझे मारो मत, अरे सही में, अरे ये तो मार रहे। अरे मुझे छोड़ दो, मैं ढंग से काम कर रहा था। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है, पूरा दिन काम ही करता रहेगा, कभी पूरा ही नहीं हो रहा तेरा काम, ये ले। अरे यार मुझे मत मारो, क्यों मार रहे हो मुझे। ये मेरी ही गलती है, मैं ब्लू हल्क पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, तेरे पापा भी इधर ही काम करते थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था, मेरे पैसों के साथ स्कैम किया था, इसलिए मैंने उनको मार दिया, लगता है अब तेरी बारी है। अरे मुझे छोड़ दे भाई, क्यों मारे जा रहे है। अच्छा छोड़ दू, अभी छोड़ता हूँ, रुक, ये निकल यहाँ से, आना मत कभी, कोई ब्लू हल्क यहाँ पे नहीं आ सकता। अरे मुझे कोई तो बचाओ। भाई यार इतना ऊपर से फेंक दिया, इससे तो मेरी हालत खराब कर दी यार, मैं क्या करूंगा। तुम इतने दुखी क्यों ब्लू हल्क? अरे मैं क्या करूँ यार, डॉक्टर स्ट्रेंज मेरा बॉस समझता है कि मैं उसके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसने जॉब से निकाल दिया, वो भी इतना बुरा पीट पीट के। उसने यार पापा हल्क को भी ऐसे जॉब से निकाला था और उन्हें मारा भी था। अब मेरे को यार उससे बदला लेना है, पर मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं होगा तो मैं बॉडी कैसे बनाऊंगा, बॉडी नहीं होगी तो मैं उस पर हमला कैसे करूंगा, और अगर हमला नहीं करूंगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरा एक जान पहचान का दोस्त है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसने पहले भी ब्लू हल्क फैमिली की मदद कर रखी है, तो तुम उसके पास जाओ। अच्छा कहाँ मिलेगा वो? उड़े भाई मैं तुम्हें भेजता हूँ ना अभी, ये देखो होम ड्रीम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम। तो अब यार डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे कहीं पहाड़ों पे भेज दिया, उसने मुझे बोला था वो पहाड़ों में कहीं पे मिलने वाला है, तो मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, कोई गुफा ढूंढनी है मुझे जहाँ पे मुझे उसका दोस्त मिलने वाला है और वो कोई बाबा है। तो चलो यार फटाफट से, यहाँ मुझे गुफा तो दिख रही है पर इसमें तो गेट लगा हुआ है। रुको मेरे पास एक आइडिया, मेरे पास ये बॉम्ब है, इसको लगा के ये गेट फटाफट से खोल दे, 1 2 3 बूम, और ये हमने गेट खोल दिया, यहाँ पे कौन से बाबा देख लेते। और ये क्या, यहाँ पे तो आग लग रही है। बच्चा आ गए तुम, कैसे हो? अरे तुम क्या मेरे को जानते हो? डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे सब बता दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जाओ जाकर एक हाथी और मेरे लिए खाने के लिए बर्गर लेके आओ। हाथी बर्गर क्या चाहते हो? जो बोला वो करो। तो गाइस सर अभी यार उन बाबा जी ने मुझे बोला उनके लिए बर्गर लाने के लिए और एक हाथी लाने के लिए। बर्गर तो समझ आ गया, हाथी खाएंगे क्या ये? चलो यार अपने क्या है, मेरे को यार यहाँ पे फेवरेट बर्गर वाले की दुकान पता है, उसके पास मैं आ चुका हूँ। लगता है भैया नहीं है कहीं पे। अरे भैया कहाँ चले गए? एक काम करते इसका पूरा का ये स्टॉल उठा के चलते, भैया को पैसे बाद में दे देंगे, फिर यार पता चले बोले एक बर्गर नहीं दो बर्गर चाहिए तीन चाहिए, तो एक काम करते पूरी स्टॉल ही यहाँ से लेके चलते फटाफट से बाबा जी के पास, और अभी मुझे हाथी लेने भी जाना है, तो अभी फटाफट से स्टॉल को यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं अपन हाथी लेने। अरे यार परेशान हो गया हूँ, जंगल में हाथी ढूंढ ढूंढ के एक हाथी नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पे मैंने देखा था, मैं बचपन में जब आता था यहाँ पे बहुत सारे हाथी घूमते थे, अभी मुझे कोई हाथी मिल ही नहीं रहा है। वैसे उस बात को 10 साल हो चुके, पर हाथी तो मिलना चाहिए ना भाई, हाथी तो ना 10 साल में कहीं चले जाएगा, कहीं पे भी मुझे हाथी मिल ही रहा है, पूरा कूद कूद के छान मार लिया, कहीं पे मिल ही रहा है, क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड इधर क्या चल रहा है? ए ये हाथी इधर छुप के क्या कर रहे हैं? अबे ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे तीन हाथी यहाँ पे क्या कर रहे थे? एक सेकेंड ये हाथी ग्रीन कलर का क्यों है? एक सेकेंड मुझे यार इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, इसको छोड़ो दूसरे वाले हाथी को पकड़ते हैं। अरे हाथी आजा, अरे कहाँ चले गए ये? अबे ये तो भाग रहे। अबे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? और गाइस सर मैंने अभी इस हाथी को पकड़ लिया, चलो यार इसको लेके चलते हैं हमारे बाबा जी के पास। तो गाइस सर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हमारा बर्गर स्टैंड भी यहाँ पे और हमारा हाथी भी आ चुका है, चलो यार बाबा जी को बुलाते हैं। बच्चे शुक्रिया, बहुत भूख लगी थी, अब आराम से बर्गर खाऊंगा। अरे आप अपना मंत्र पढ़ना चालू करो कि वो हाथी आ चुका है। हाँ अभी शुरू करते हैं। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम, इस बच्चे को बना दे एलिफेंट की आइसक्रीम। अरे ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ बच्चे इसके अंदर। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, मुझे हाथी नहीं बनना, मुझे खतरनाक वाला हल्क बनना है। अरे क्या खांसी कर दी, कुछ हुआ कि नहीं?
अरे गाइस यार, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे गाइस यार, आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ भाई। मैं नॉर्मल सा हल्क बन चुका हूँ, बहुत ही खतरनाक वाला ब्लू हल्क। आप देख सकते हो मेरे शरीर में कांटे ही कांटे आ चुके, मैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला बन चुका हूँ। मैं हूँ थानोस और अब मैं लॉस एंटोस की आधी पॉपुलेशन को गायब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी का संतुलन ठीक करना है। चलो फिर कहाँ से शुरू करें? ए पिट्टी पुलिस वालों, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये लो मेरी बॉल कैच करो। हा हा हा, ये कुछ नहीं कर सकते। एवेंजर्स सारे के सारे ठुल हो चुके हैं, वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई बैंगन, क्या हाल है तेरे? अरे तुम कौन हो? मैं हूँ नया नया खतरनाक वाला सूट मिलने वाला ब्लू हल्क, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे बच्चे, तू मेरे सामने मत आ, अभी वैसे ही दो तीन हल्क को पीट के आ रहा हूँ, तो एक भी पीटना है क्या? आ जा तो फिर, दो दो हाथ हो जाए। आ जा फिर। अरे ये तो मारना भी शुरू कर दिया, रुक तो जा। अरे मेरे को भी तो मारी थे। बच्चे मैं बोल रहा हूँ अभी चले जा, वरना तुझे खत्म कर दूंगा। आप डरता हूँ क्या मैं तेरे से? भी रुक जा, मेरी भी तो बारी आने दे। बच्चे अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अबे निकल ना यहाँ से। क्या ही मारा मैंने इसको, सीधा हाइड्रा जेट में जाके घुस गया और ये मर गया। बच्चे इधर देख। अबे ये मरा नहीं क्या? अबे मुझे लगा ये मर जाएगा, ये तो मरा ही नहीं। तो कोई ऐसा इसको थोड़ा सा इधर उधर फेंकते। हाँ भाई क्या हो गया थानोस भाई, बैंगन भाई क्या हो गया? अरे बच्चे ज्यादा मारपीट करी ना, बहुत बुरा मारूंगा, तेरे सारे घर वालों को मारूंगा मैं। अच्छा घर वालों को मारेगा? अब तू मेरे साथ चल, अभी उस बाबा के पास लेके जाता हूँ, तेरी सारी शक्तियां निकालता हूँ मैं। अरे बाबा जी, मैं इस बैंगन जैसे दिखने वाले को पकड़ के लाऊं, इसकी सारी शक्तियां निकालो और मेरे में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इसके लिए कुछ काम की नहीं है। तो गाइस यार अभी बाबा जी ने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया और थानोस में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रहा है, तो फटाफट से इस धुएं में जाके अपन बैठ जाते हैं। थानोस के ऊपर जाके बैठ जाता हूं, तो देखते हैं मुझे क्या होने वाला है, मुझे नई नई शक्तियां मिलने वाली है। अरे गाइस यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, थैंक यू बाबा जी, आपने तो मेरी लाइफ बचा दी। तो गाइस यार आप देख सकते हो यार, मेरी यार बॉडी देखो भाई क्या ही बन चुकी है, और मैं आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूं और मैं उड़ भी पा रहा हूं। मतलब थानोस की शक्तियां मिल गई, पता नहीं कौन कौन सी। पर उससे पहले मुझे काम करना है। मैं आ चुका हूं जहां पे मैं काम करता था, वो बॉस को मैं पकड़ने वाला हूं। उसने क्या बोल रहा था, तू मेरे को मारेगा? अरे अरे सर, आप कौन हो? सर बोल रहे हैं, अभी जो वही हूं मैं, जो ब्लू आई को तूने मार के भगाया था, ऐसे हफ्ते को मारूंगा मैं इसको, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तू यहां का बॉस नहीं आज से, तू अच्छा चल, इसको काम भी नहीं कराऊंगा मैं, मेरे को तू चाहिए नहीं, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसको फटाफट से यहां से बाहर निकालते हैं। अबे निकल यहां से। तो गाइस यार अब यार ये पूरी बिल्डिंग हो चुकी है मेरी, आज से इस पे मैं काम करूंगा, मैं राज करूंगा, क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी है और उस बॉस को तो मैंने बिल्डिंग से फेंक के मार दिया है। तो यार आज से ये बिल्डिंग हो चुकी है मेरी। One eternity later. What's up guys? तो आपको तो पता ही है मैं कितना ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। मैंने यार 2-3 साल पहले एक बिल्डिंग पे राज किया था, मतलब उस बॉस को मार के, और ये देखो अभी वो बिल्डिंग बन चुकी है बहुत ही खतरनाक। मैं यार बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और मैंने कमा लिए बहुत ही ज्यादा पैसे, और मैं सबसे खतरनाक वाला हल्क भी बन चुका हूँ। मेरी यार कार का कलेक्शन देखना चाहोगे? ये है मेरी गोल्डन कार्स का कलेक्शन। यार ये बहुत ही ज्यादा महंगी कार्स है यहाँ पे, और सारी की सारी गोल्ड की है, प्योर गोल्ड की। पता यार फटाफट से कमेंट में आपको कैसी लग रही है सारी की सारी गाड़ियां। ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी गाड़ियां यार, गिनने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम जाने वाले एक छोटी सी राइड पे, क्योंकि यार इतने टाइम से मैं राइड पे नहीं गया, इतने टाइम से यार मैं सिर्फ काम ही करे जा रहा हूं, और मुझे बहुत सारे नए नए सूट मैंने बीच में चेंज किए थे, पर सबसे खतरनाक वाला सूट अभी हमें मिल चुका है। तो यार अब यार कोई भी हमसे हल्क यार मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट ब्लू हल्क बन चुका हूं। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके जॉन फॉलो कर लेना। एक सेकंड, ये कौन है? अब राज होने वाला है ऑरेंज हल्का, तू नहीं बचेगा पिट्टी। अरे ये कहां से आ गया? गाइस मैं यहां से निकल रहा हूं, आप भी निकलो, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।